ये क्या था? ये हमारे घर का परंपरा है। परंपरा है? ये कैसा परंपरा है? ठीक है ठीक, अंदर आइए अंदर आइए। बेटा मेहमान के लिए नाश्ता ले गया। सही बोल रहा है, जल्दी जाओ।
तो ये क्यों बोल रहा है? ये तो अभी तुला है। अरे यार मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? हाँ जा रो। मेरी बेटी को खुश कौन रखेगा? हाँ जा रो। सुहागा कौन बनाएगा? हाँ जा रो। पैसे कमाने कौन आएगा? हाँ। पैसे कमाने कौन आएगा? बेटी के बाप। जान बची यार, लगता है इस जन्म में हम लोग का शादी नहीं होगा यार। अबे सुप सुप बोल, सुप सुप। आइडिया, हम एक आदमी को जानते हैं जिसकी चार बेटी है। चार बेटी? हाँ, तब तो अपना काम बन जाएगा। बेटी चार, हम लोग भी चार, अपना काम बन जाएगा यार। तो चलो फिर, चलो। ये वो घर, ये घर है। हाँ, तो पक्का इसकी चार बेटी होगी। चलो चल। हाँ सर आइए, बैठिए 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 बैठिए। हाँ, तो फिर आपकी बेटी कहाँ है? वो तो अपने ससुराल में है। तो आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? वो भी अपने ससुराल में है। तीसरी बेटी होगी तीसरी। तो आपकी तीसरी बेटी कहाँ है? वो तो नहीं है। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। चौथी बेटी होगी चौथी। तो आपकी चौथी बेटी कहाँ है? अबे साले, जब तीसरी है ही नहीं तो चौथी कहाँ से आएगी? ठीक है अंकल, हम लोग चलते हैं। जब तुझे पता था उस घर में क्या बैठी है? नहीं पता था भाई। वही तो, ये तुझे तुझे नहीं पता था उसमें जाने की क्या जरूरत? क्या जरूरत? अब मेरा उम्मीद टूट गया यार, लगता नहीं अब इस तरह में हम लोग का शादी हो पाएगा। हाँ यार, क्या हुआ यार, तुम लोग इतना परेशान क्यों है? क्या बताएं भाई, हम लोग चार दिन से दुल्हन ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रही है। अच्छा, तुम लोग को शादी करना है? हाँ। तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं यार, हमें ना, चलो हम शादी करवा देते हैं तुम लोग का। सच में? हाँ चलो चलो चलो, कराएगा ना? अरे हाँ पक्का करवाएंगे, चलो दूल्हा ले लो, दूल्हा फरेश फरेश दूल्हा, एक डेढ़ दूल्हा, सरकारी नौकरी वाला दूल्हा, एक लंगड़ा एक दूल्हा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। जो बड़े घर का हो, खानदानी हो और पैसे भी अच्छा खासा कमाता हो। ऐसा दूल्हा? हाँ,
तो आप ये वकील को ले जाओ। वकील? हाँ, बड़े घर का है, खानदानी है और महीने में पूरे 2 लाख रुपए कमाता है। 2 लाख? वैसे कितना प्राइस है इसका? इसका केवल 12 लाख रुपए। 12 लाख? मेरे भाई साहब, इसी दुकान में कुछ थोड़ा सस्ता सा दिखा दूँ। सस्ता सा? हाँ? तो आप ये डॉक्टर को ले जाओ। डॉक्टर? बड़े घर का है, खानदानी है और महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। 1 लाख? वैसे कितना प्राइस है इसका? इसका इसका मात्र 7 लाख रुपए। 7 लाख? अरे भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, 7 लाख भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी बेटी के लिए कुछ सस्ता सा दिखा दो, तुम्हारी बेचारी। अच्छा, इससे भी सस्ता? तो आप ये दोनों को छोड़ो, आप ये बीसी को ले जाओ। बीसी? बीसी मतलब क्या होता है? उसी से पूछ लो। बीसी मतलब क्या होता है? बकरी चराते हैं। तो आप ये सब कुछ छोड़ो, आप ये टीसी को ले जाओ। टीसी? टीसी मतलब क्या? अच्छा, सरकारी नौकरी वाला टीसी? नहीं नहीं नहीं, ट्रैक्टर चलाता है। क्या नहीं, ये ट्रैक्टर चलाने वाला नहीं दिखाइए, कोई ऐसा दिखा दो जो मेरे बजट में आ जाए, जो रात भर टिके। अच्छा, रात भर टिकने वाला चाहिए। अब समझ में आया। तो तुम एक काम करो, वो दूल्हा को ले जाओ। ये दूल्हा कितने कमा लेता है? कमाता है 90, खा जाता है 90, खाता है पचता नहीं, कमाता है बचता नहीं। क्या करता है? मजदूर है बेचारा और मजबूत भी। मजदूर? अरे यार, लगता है आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है ही नहीं। रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा, चल बैठ। वैसे आप इतना महंगा महंगा दूल्हा बेच रहे हैं, आप कितने कमा लेते होंगे? हम वही कुछ महीने का 4-5 करोड़। 4-5 करोड़?